खाद्य तेल की कीमतों में मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सरसों तेल की कीमतों में गिरावट है, तो वहीं दूसरी तरफ सोयाबीन, मूंगफली, पिनोला तेल, तिलहन, सीपीओ और पामोलिन में हल्की मजबूती देखने को मिल रही है। दरअसल बीते सप्ताह खाद्य तेल तिलहन कीमतों में तेजी का रुख रहा और वहीं अगले महीने सरसों की नई फसल आने और भारी उत्पादन की संभावनाओं के चलते सरसों तेल तिलहन के भाव में गिरावट देखने को मिली है। जनवरी फरवरी के दौरान सरसों की बंपर पैदावार की संभावनाओं को देखते हुए किसानों ने अपना माल निकालना शुरू कर दिया है, जिससे सरसों तिलहन में गिरावट आई है। वहीं देखा जाए तो सस्ते आयाती तेल के सामने सरसों बाजार में खप नहीं रही, जिसकी वजह से सरसों तेल कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ सोयाबीन तेल में सुधार देखने को मिला है, क्योंकि कम आयात होने की वजह से शॉर्ट सप्लाई की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि कुछ दिनों में उम्मीद की जा रही है कि आयात की नई खेप आने से कम सप्लाई की स्थिति खत्म हो जानी चाहिए। वैसे विदेशों में सोयाबीन तेल के दाम में लगभग 4 से 5 रुपए किलो की गिरावट आई है, लेकिन यहां पर भारतीय बाजारों में तेल के दाम घटने चाहिए थे, वो नहीं घटे, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई के कारण तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में बाजार मानकर चल रहे हैं कि जैसे ही नई आयात की खेप बाजार में आएगी, तब सप्लाई की स्थिति जो है वो शॉर्टेज की खत्म हो जाएगी और उसके चलते एक बार फिर से कीमतों में दबाव बन सकता है। लेकिन फिलहाल सरसों तेल में गिरावट और सोयाबीन तेल में सुधार के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।